हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग्स में देखा है, मिठी रोहन घर आए हुए हैं तो बस उनके साथ थोड़ा सा हम लोग को लग रहा है कि इनको हैदराबाद घुमा दें, क्योंकि इनके भी यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं हैं तो बच्चे थोड़ा बोर हो रहे हैं। ख़ासतौर पे रोहन को ये लगता है कि मेरे फ्रेंड्स मतलब है नहीं, और वो होता है ना कि आप आते हो छुट्टियों में अपने दोस्तों से मिलने का एक अलग ही क्रेज़ रहता है, तो इसको बहुत मिस कर रहा है। और रोहन हमारे साथ नहीं आया था क्योंकि वो खेल रहा था अपना कोई गेम फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन गेम्स आजकल इतने ज़्यादा चले हैं। और हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम जा रहे थे प्लांट्स लेने के लिए, क्योंकि लग रहा है कि घर को ही थोड़ा पॉजिटिव बनाया जाए। जब दिक्कत हो रही है, उनको चाहिए ही नहीं। भाई, जब 90% ऑफ द इंजीनियरिंग के बच्चे, पहले कंप्यूटर बूम इसलिए आया कि उस समय बहुत लिमिटेड लोग थे, जो कर रहा था भाग रहे थे। अब डिमांड तो धीरे धीरे वहाँ सैचुरेशन तो आएगा ही, जो पहले चले गए जितना उतना अच्छा। अब तो एक्सपर्टाइज की बात है, बट अभी भी ऐसा नहीं है, रिक्वायरमेंट तो अभी भी बहुत है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना ज्यादा है टेक्नोलॉजी में कि अब जैसे AI पे आ गया कि प्रोग्रामिंग करने लिखने बैठने के लिए काम जो थे मोनोटोनस से, वो धीमे धीमे सब ऑटोमेट करते जा रहे हैं लोग। जब ऑटोमेट करते जा रहे हैं, जैसे एक टाइम था स्टेनोग्राफर होता था, राइट? आप उसको बोलते थे, आप उसको लेक्चर देते थे, वो टाइप करके चिट्ठी बना करके ड्राफ्ट करके लेके आता था और फिर असाइन करते भेजते थे। वो काम खत्म ही हो गया। ऑफिस में कहाँ सेक्रेटरी और स्टेनोग्राफर होते हैं, कहीं नहीं होते। तो बस हम आ गए थे नर्सरी, और हम जब चंडीगढ़ में थे तो मैंने बहुत फ्लावर के प्लांट्स और जो कलरफुल लीव्स होती हैं उनके प्लांट्स बहुत सारे लगाए थे। तो अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं फ्लावर्स के, आजकल सीजनल फ्लावर्स बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, क्योंकि विंटर्स में फ्लावर्स होते भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, खूबसूरत से होते हैं। तो विकास चाहते थे कि मैं इन प्लांट्स को लूँ, पर मेरा मतलब एक अंदर से बहुत मन है कि अब मैं एक किचन गार्डन काइंड ऑफ थिंग बनाऊँ, क्योंकि एक होता है ना कि अब डन हो गया। मैं बहुत कितना 8 ईयर्स मैंने बहुत सारे प्लांट्स रखे, और एंड में मतलब होता है कि मोह छोड़ना पड़ता है। तो वही है कि वेजिटेबल्स के प्लांट रखूंगी या मतलब किचन गार्डन रखूंगी, तो थोड़ा उनसे जो भी हो, विकास कहते हैं इतनी सब्जियां तो बाहर से मिल जाती हैं, क्यों लेना है, लेकिन एक अपने आप ग्रो कराने का एक अलग ही क्रेज होता है। तो मैं अब किचन गार्डन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ कंपेयर टू ये फ्लावर्स और कलरफुल लीव्स के। तो यहाँ पे खैर मिला नहीं कुछ भी, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। और मेरा भी फुल एक होता है ना कि माइंड पूरा सेट नहीं था कि मुझे एग्जैक्टली लेना क्या है, तो ऐसे ही हड़बड़ी में मैं कुछ भी लेना नहीं चाहती थी। लोग कहते हैं ना, चिंता जो है वो चिता के समान होती है। तो अभी एक बहुत अननेसेसरी का स्ट्रेस लेके हम लोग चल रहे हैं, मैं भी, मिट्टी भी, रोहन भी, एक पता नहीं, एक सडनली सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो होपफुली, फिंगर क्रॉस, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। समय एक ऐसी चीज़ है, कभी आपका समय होता है, कभी नहीं होता है, कभी आपके इर्द गिर्द की चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती हैं, तब भी ऐसा होता है। और मिट्टी, हम लोग कहाँ आए हैं बता? हम लोग आए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हमें बहुत मतलब मन से इच्छा हो रही है कि हमारा हम अपना खून दें एक दूसरे का खून जो बचा, हाँ बचा हुआ खून है, हम यहाँ पे डोनेट करने के लिए आए हैं। डोनेट तो नहीं है, मैं कितनी भी थकी हूँ, कितनी भी परेशान हूँ, बस एक ये ऐसी चीज है ना
जो मुझे रिलैक्स करती है वो है शॉपिंग। तो हमें पता नहीं था कि यहाँ पे मतलब स्टॉल्स लगे हैं, और यूजुअली यहाँ पे मतलब मंथली एक बार तो ऐसा होता है कि नीचे स्टॉल्स लगे होते हैं। तो विकास, मिट्टी, रोहन तीनों को लग रहा था कि मम्मी फिर से ये शॉपिंग ना करने लग जाएं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लखनऊ से काफ़ी शॉपिंग की थी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये कौन सा प्रिंट था, कैंडल प्रिंट का था, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं विकास मिट्टी को बोल रही थी कि मुझे लेना है। विकास मुझे बाय बाय कह रहे थे कि अब चलो 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 चलो, यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना है। तो वो बार बार मेरे सामने आ रहे थे। तो पता नहीं, मेरे एक अंदर में एक चीज़ हो जाती कि मुझे अगर कोई चीज़ लेनी है तो बस लेनी है। मुझे खुद भी ये था कि इसका क्या हार्डली यूज़ है, क्योंकि मैं जितने कपड़े लेती हूँ उतने ही पहन लूँ, बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे खाने के भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे थे। मुझे खाने का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है कि बहुत, क्योंकि पता नहीं समाओ मुझे मतलब बाहर का खाना उतना पसंद नहीं है। तो मिठी रोहन को भी मैंने ऑफ़र किया था कि तुम लोग भी कुछ खाना चाहो, तो वो लोग भी इतना बाहर का नहीं पसंद करते, और विकास तो बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्योंकि विकास मोस्ट ऑफ द टाइम टूर पे रहते हैं तो बाहर का ही खाना खाना होता है उनको। तो खाने की तरफ तो मेरा, हम चारों का ही अट्रैक्शन नहीं था। और मैं बार बार विकास को ले जा रही थी कि मुझे लेना है लेना है लेना है। तो विकास, मिठी थी और रोहन तीनों मुझे बोल रहे थे कि नहीं बस हो गया, आप इतनी शॉपिंग करके लाई हो घर में, इतनी अलमीरा आपकी भरी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। मिट्टी, तुम्हें कैसा लग रहा था पहले इतनी सारी कुर्तियां आई? अच्छा लग रहा है। एक स्काई ब्लू ली थी तुमने, यही कलर्स बोले थे ना? और एक वाइट, वाइट वाइट पूरी तो दिखाओ बेटी। ये वाइट कलर की कुर्ती का प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ। सबसे डिफरेंट वाइट ही लग रहा है। ये सारी एक ही जैसी हैं? वैसे तो मेरे हिसाब से ये सबसे प्यारी लग रही है ना? एलिगेंट है, एलिगेंट है। वाइट कलर लगता है, पिंक दिखाओ। सारे बिल्कुल मैडम, सारे पर कढ़ाई एक जैसी है सबके। नहीं यार, वाइट वाली की अलग है। नहीं देखो, मतलब ये अलग है थोड़ा बहुत, बट मतलब स्टाइल वही है। हाँ, अब मुझे ये था कि तुम्हारे लिए लाइनिंग वाली नहीं लेनी है ना? कलर्स वैसे सारे बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे लगे? कौन सा कलर तुम्हारा सबसे, तुम्हें सबसे अच्छा लगा? ब्लैक। वो तुमने एक ही पहना ना? और आज जो तुम्हारे लिए लिया वो दिखाओ, एग्जीबिशन से हम लोगों ने लिया। यही है, पापा की पसंद है। मुझे भी ये कलर बहुत प्यारा लगा था पता है, पर ठीक है, पापा को मेरे लिए ये कलर नहीं पसंद आया। और बाकी देखो, मुझे ये कलर खुले ज्यादा अच्छा लगा था, पर तुमने ये चॉइस मेरे लिए रखा नहीं। बेटी ये भी ले सकती है, सबसे तीसरा वाला है। एक ये कलर मेरे लिए आया है। और एक ये कलर, तो तुम्हें कैसे लगे मिट्टी आज? अच्छा। पहन के दिखाओगे? ये हाँ, सारे पहन के दिखाओ। सारे नहीं पहन रही, ये जो दो आपके हैं वो आपके। नहीं मिट्टी, एक ही पहनेगी एक बार में, सारे पहन ले। नहीं, चिकन वाले भी पहन के दिखाओ, जैसे ब्लैक पहना था ना वैसे दिखाओ। हाँ ये वाला पहन दो, जब ये वोट तुम ये ले लो, हम एक बार ब्लू अच्छा लगा तुम ये। नहीं 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 मैं यही लूंगी। बेचारी इतनी बार साइज बदल गया। हाँ, मैं पापा की वजह से ये, मैंने ये कलर पसंद किया है ना। क्या है जी, कौन सा पता नहीं क्या मैच किया था तुम्हारे नीचे, वो मैं ब्लैक कुछ था। बोलना शुरू मैं करूं बोला तो पीछे से मतलब मेरी वो होनी ही होनी होती है ना नहीं, बेटी। अच्छा वो ब्लैक था कि नहीं था, पर्पल था ही नहीं। नहीं देखो पर्पल है, पर्पल है। जैसे घर में छोटे बच्चे नहीं होते हैं, जैसे मम्मी बोली वैसे ही बच्चे बोलने चालू हो जाते हैं, वही हाल है फिर तुम्हारा। रुक जाओ यार थोड़ी देर टीवी मत चलाओ। हाँ थोड़ी देर टीवी रुक जाओ। कौन सा पहनू? तीनों पहन के दिखाओ, व्हाइट और ये, और पापा ने जो पसंद किया। ब्लैक वाला तो डॉग में नहीं, अभी तो सारे पहनो। तो यही कलर्स चाहिए था चारों, और लाइनिंग वाली कुर्तियां थोड़ी कैरी करें। मिट्टी की बोली थी मेरे को जीन्स के ऊपर पहनने के लिए चाहिए, तो ये कुर्तियां बेस्ट थी है ना, लाइनिंग वाली नहीं अच्छी लगती हैं।
और वो पता है उनको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है, वो रेगुलर आप वॉश करते रहो तो खराब हो जाएंगे, कौन सी लाइनिंग जो लाइनिंग वाली होती हैं मोटर? जो मैंने ली थी। नहीं तो रेगुलर क्यों वॉश करना, हाँ तुमने थोड़ी तो पहनी होती वही है मैंने कहा, रेगुलर। ये वाली कुर्तियां तो ऐसी हैं कि यूज एंड थ्रो वाली, मतलब आप अच्छे से यूज कर लो फिर आप, मतलब होता है ना कि रीजनेबल रेट्स में है तो खराब भी नहीं लगता यार। चलो ठीक है, ठीक मम्मी को सारी दिखानी है, ये तो तो बहुत लगे प्यारी लग रही है ना कुर्ती अच्छी। फंडे, हाँ अच्छी है, मिट्टी के ऊपर बहुत अच्छी लग रही है वही वो कुर्ती। लाइट ब्लू वाली भी अच्छी लगी तेरे ऊपर, और पिंक भी अच्छी थी। मैंने लेकिन एक और पर्पल कलर में सेलेक्ट की थी, वो मम्मी ने वो लिया, वो मम्मी ने पर्पल वाली मैंने मिट्टी के लिए ली थी ना, नहीं तो फंडी एक वहां मिट्टी का नाम भी नहीं था। वाह ये तो एक अलग ही मजा आ रहा है ना ये कलर देखने में अच्छा तुम्हें। कलर है, हाँ ब्राइट है। हाँ नहीं ये कंफर्टेबल है ना मिट्टी, वहां पे अगर तुम लाइनिंग वाली कुर्तियां तो वाले कंफर्टेबल नहीं होंगे ना। हाँ या नहीं मैं बोलो, और तुम्हें जब चाहिए होती तो मम्मा देती है ना। पापा ऐसे ही बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए लिया था मैंने मम्मा ने। एक मिट्टी तुम्हारे लिए अलग से लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मम्मी वो बहुत दिखा सारी ले देना रही थी, पापा ने जो पसंद, जिसमें रोहन के लिए कुर्ता लिया उस टाइम में मिट्टी के लिए तुम्हारे लिए एक अलग से मैं समझी थी, ये मिट्टी के लिए ले लो, ये दिखा मुझे देना पता है मिट्टी पापा को ने अच्छी क्या लगेगी। पसंद किया था मेरे लिए, वो तो दिखा देना। शांति रखो हाँ, नहीं मुझे दिखा मालूम है, देना तुम निकालो मुझे पता है वो कैसा है कि यार। ये भी अच्छा लग रहा है कलर ना बुंडे। लग रहा है थान में कर रही हूँ। नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा है, अच्छा मिट्टी ये कंफर्टेबल सेम है या नहीं है? प्रिंट सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा नाइट है लगा तो था ही, ने जो फोटो की दिखा रही थी अपनी, नहीं वो वो दूसरा दूसरी है। चीज है मिट्टी बता सकता हूँ कि कौन सी, इसमें इसमें व्हाइट कलर का फोन हो गया नीचे, बहुत सुंदर लगेगा, अच्छा लग रहा है, स्मार्ट लग रही है ना। हैप्पी